हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरो फार्मा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 28 जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑरो फार्मा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ऑरो फार्मा में हमें एक 1% का यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 521.25 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में हमें कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल वन डे के चार्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे आने वाले दिनों के लिए। जरूर कल के लिए हम 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे बात करेंगे। करेंटली वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिला है, कैंडल भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एक स्मॉल साइज की कैंडल जो है बॉडी बनी है नीचे की साइड में और ऊपर के साइड में, दोनों के साइड में विक जो है देखने मिले। ऊपर के साइड में थोड़ी सी बड़ी हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे हमारे RSI की, 43-44 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो है यहाँ पे बिल्कुल भी इशारा नहीं देता। यहाँ पे जो हमें एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें जरूर जो एक नेगेटिव मूवमेंट जो देने वाला है, मतलब स्टॉक में हमें डाउन साइड जो देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक आज के दिन जो है यहाँ पे अपने 20 MA का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे की साइड में हमें क्लोजिंग भी जो है वो दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमें जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में ही जो है हमें फॉलो करना है जब तक यहाँ पे हमारा जो 50 MA के ऊपर, मतलब 560 के ऊपर जो है हमें हमारा स्टॉक जो 2 दिन तक सस्टेन ना करे तब तक मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग के लिए स्टॉक में जाए। करेंटली ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो करें, यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बहुत ही बढ़िया वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो देखने मिलेगा। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की, यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा आने वाले दिनों के मेरा ओपिनियन जो है नेगेटिव, सबसे पहले हमें डाउन साइड जो है 512 या फिर 510 के आसपास जो हमें देखने मिला, अगर उसको यहाँ पे क्रॉस करते हो स्टॉक में इजिली हमें जो 500 तक जो है स्टॉक इजिली गिरते हुए देखने मिलेगा। इवन यहाँ पे जो है उससे भी और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड जरूर करूँगा कि यहाँ पे इंट्राडे वाइज पोजिशनल वाइज जरूर आप जो है नेगेटिव ट्रेंड के लिए जो देखें, मतलब एक शॉर्टनिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बढ़िया वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है देखने मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी है बहुत ही बढ़िया वहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें जो है क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे सारे के सारे जो है मार्क्ड है, ऐसे हमें कोई मार्किंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करता हूँ ताकि हमें दोनों साइड का जो डेटा क्लियरली जो देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 521.25 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 520.35 का, डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे आता है 526.35 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशियो का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ
इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या, अगला सपोर्ट आता है 514.05 का, उसके बाद क्या 507.70 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 529.85 का, उसके बाद क्या 536.80 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है वो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग है। मतलब चांसेस है 514 से लेकर 520 के रेंज में हमें स्टॉक में क्लोजिंग जो देखने मिले, ऊपर से डायरेक्ट सपोर्ट के पास में क्लोज हुआ, तो जरूर हमें प्री ओपन मार्केट में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा वो देखना। अगर यहाँ पे गैप अप हुआ तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा सा वेट करके, रेसन के यहाँ पे जो है जरूर आप वेट कर सकते हो। वहां से अगर जो हमें डाउन साइड देखने मिला तो जरूर जो वहां पे आप जो अपना एंट्री जो है वो ले सकते हैं शॉर्टिंग के लिए। बाकी लॉन्ग के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, कल के दिन पॉजिटिव साइड में गया तो भी यहाँ पे लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी ना देखे, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो वहीं पे आपको जो प्रॉफिट देखने मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।